हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जहाँ पे हम जार्विस में बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो अभी आपको मेरे डेस्कटॉप पे जार्विस नहीं दिख रहा होगा, तो आप इसे कुछ ऐसा समझ सकते हो कि ये वीडियो थोड़ा सा स्क्रैच से भी होगा। मींस हम सारी चीज़ें करने नहीं वाले हैं, सोर्स कोड को अपडेटेड सोर्स कोड जो हमने गिटहब पे पोस्ट किया था उसी से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अपना जो विजन हमने मॉडल बनाया था लास्ट वीडियो पे, वो हम जार्विस के अंदर इंटीग्रेट करने वाले। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट द वीडियो बिगिन। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाइए और यहाँ पे टाइप करिए गिटहब, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जा सकते हैं। आपको मेरी डिस्क्रिप्शन गिटहब लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रोफाइल पे जाइए, रेपॉजिटरी पे क्लिक करिए, जार्विस 1.0 का आपको वर्जन मिलेगा। यहाँ पे आप स्टार मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार मार्क करते ही आप कभी भी सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज हो सकता है रेपॉजिटरी नेम मैं चेंज कर दूँ इन फ्यूचर। सो डू इट प्लीज़, डाउनलोड करिए इसे। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी इसका करंट साइज़ है 8.6 MB, इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा और डेस्कटॉप पे जाके इसे मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो जार्विस है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स आ गई हैं। हम इसे कॉपी करने वाले हैं। कॉपी करने के बाद आपको एक नया फोल्डर बनाना है अपने डेस्कटॉप पे, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, हमने यहाँ पे जार्विस नाम का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर हम सारी फाइल्स पेस्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। अभी हम इसको ओपन करने वाले हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ से हम कोड को अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको याद हो कि विजन के अंदर हमने मोबाइल से विजन क्रिएट करना बताया था और साथ में आपको नॉर्मल जो आप PC यूज़ करते हो ना उससे भी बताया था। यहाँ पे हमें वी ब्रेन और MV ब्रेन, मोबाइल ब्रेन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हमने मोबाइल ब्रेन का कोड अपडेट नहीं किया था आई थिंक इसके अंदर। मोबाइल के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर मोबाइल के लिए। बट कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, आपको जो कोड मिलेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम फिलहाल के लिए इस वाले जो हमारा कैमरा है, हम PC का जो कैमरा है उससे हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो इनपुट लिया है। इनपुट में जब व्हाट इज़ दिस आ रहा है तो उस हम एक इमेज कैप्चर कर रहे हैं इमेज पाथ में, और यहाँ पे इमेज पाथ कॉपी करके और कैप्चर करके उसे क्या कर रहे हैं, आंसर गेट कर रहे हैं। तो अभी आप क्या करो, इतना आपको कॉपी भी करना है या फिर आप कट कर सकते हो उसे और इसे यहाँ से हटा दो। अभी आपको अपने कोब्रेन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है फ्रॉम विजन डॉट वी ब्रेन इम्पोर्ट। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या बनाया था। वी के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो हमने ब्रेन ही बनाया था। मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, विजन अंडरस्कोर ब्रेन लिख देते हैं, ठीक है? सो दैट अच्छे तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ विजन ब्रेन। विजन ब्रेन करने के बाद आपको नीचे आना है लाइन नंबर 61 में और यहाँ पे एक else if कंडीशन और डालनी है एंड इस पर टाइप करना है What is this? और या फिर यहाँ पे लिख सकते हो in output text और एक और लिखिए What can you see in text? जब ये text not its output text। और यहाँ पे होने के बाद आपने जो उसे कट किया था ना उसे आपको यहाँ पे पेस्ट आउट करना है, इसका इंडेंट सही करना है आपको।
अभी आपको विजन ब्रेन को कॉल करना होगा। ब्रेन की जगह पे विजन ब्रेन। अभी यहाँ इनकोडिंग इमेज और इस पे ये दोनों चीज़ें आपकी एरर शो कर रही हैं। रीज़न क्योंकि हमने सिर्फ इससे विजन ब्रेन ही कॉल किया है। तो अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप इम्पोर्ट स्टार लिख दीजिए। स्टार लिखते ही आपके एरर्स चले जाने चाहिए एंड यस सारे एरर्स चले गए। अभी आंसर्स यहाँ से लेगा, आंसर ले आके इस पे स्टोर करा देगा। बट स्टिल ये सिर्फ स्टोर कराएगा, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो अब स्टोर करने के बाद स्पीक करे आंसर हमारा, ठीक है। साथ ही में मैं चाहता हूँ आप अपने जो स्पीक फंक्शन है उसे थोड़ा सा अपडेट करिए, बिकॉज जब हमारा जार्विस है वो बोलता है, राइट। जब वो बोलता है तो सिर्फ बोलता है, ना कि प्रिंट करता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसे अगले वीडियो पे कवर करेंगे विथ एनिमेशन, जब वो बोले तो एनिमेशन के साथ बोले, वो चीज़ हम उसके अंदर कवर करेंगे। ओके, सो अगले वीडियो पे देख लेंगे उसे। अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं जनरली स्पीक के अंदर, ठीक है। सो क्योंकि अभी मैंने जस्ट डाउनलोड किया है, हो सकता है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो या ना हो। अगर कोई एरर आता है तो हम इसे रिसॉल्व करते हैं, अदरवाइज हमारा जार्विस चल ही जाएगा। अगर आपने requirement.txt पहले से रन करके रखी है, यस इट्स वर्किंग रहा है। सर आई एम ऑनलाइन एंड रेडी टू फॉलो योर ऑर्डर्स। लेट्स सी, मैं इसके सामने कुछ रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या फोन दिखाऊँ, फोन दिखाता हूँ इसे। चलो What can you see? अरे मैंने फोन हटा दिया था, बट फिर भी There is no writing in the image. The image features a man's shadow on a green wall. ठीक है, उसने मेरी फोटो देखी है, शैडो बस वॉल के अंदर। बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू, मेरा कैमरा अच्छा नहीं। फिर भी What is this? चलो उसने एक बार इमेज तो ले ली है, लेट्स सी क्या इस बार बॉटल। इन दिस इमेज अ मैन इज होल्डिंग अ पर्पल वाटर बॉटल विद अ ब्लैक लिड एंड देयर इज अ वाइट कैप ऑन द बॉटल। द मैन इज स्माइलिंग व्हाइल होल्डिंग द वाटर बॉटल एंड हिज फेस इज विजिबल इन द फोरग्राउंड। ठीक है, तो मैंने वाटर बॉटल डाली थी और यहाँ पे इमेज कैप्चर इमेज है, ठीक है। अभी मैं इमेज नहीं दिखाऊंगा बट आपका सेम तरीके से काम कर जाएगा, ठीक है। और मैं और भी कुछ बुक ट्राई करता हूँ, ठीक है। What can you see? चलो तो उसने देख लिया है। The image shows a man holding an orange book. However, there is no writing or text visible in the image. ठीक है, तो मतलब सारी चीजें कर पा रहा है। So this is for आपका PC. PC का जब कैमरा एक्टिव होगा उससे सारी चीजें कर पाएगा। सॉरी गाइस, रियली सॉरी, मैं भूल गया था। रियली सॉरी, मैं भूल गया था, लास्ट टाइम मैंने उसमें एडिशनल कैमरा सेट किया था, इसकी वजह से वो अभी भी उसे शो कर रहा था। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी उस छोटे से एरिया से, मैंने हटा दिया है राइट ना। और मैंने इतनी कोई कोड वगैरह तो सारी चीज़ें हटाई नहीं थी, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कोड वगैरह, ठीक है। कोब्रेन में मैंने क्या क्या हटाया था, कोब्रेन में मैंने यहाँ पे देखो इतनी चीज़ें चेंज की हैं, ये देख लो आप, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। और कुछ नहीं, बस विज़न के अंदर हमने विज़न मॉडल डाला था। अब यहाँ पे हम सेम चीज़ इसको डाल देंगे, ठीक है, मोबाइल के लिए भी, बस इसमें पोर्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अभी ये कोड अपडेटेड नहीं है, मैं पुश कर दूंगा कोड, ठीक है। आप मोबाइल के लिए भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पीसी में ये डॉइड ऐप और आपके फ़ोन में दोनों चीज़ें, दोनों जगह ये ऐप अनेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर आप अपने आईपी एड्रेस के थ्रू कर सकते हो। सो फॉर टुडे वीडियो इतना ही रखते हैं, हम करेंगे और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स अपने जार्विस के साथ इन फ्यूचर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज के लिए इतना ही रखते हैं।
मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, बनाएंगे अपने जार्विस को और भी ज़्यादा पावरफुल। अगर साइड वाला एरिया आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम किया हो तो रियली सॉरी गाइस अगेन, एंड बस जार्विस की सीरीज फॉलो करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ यूनिक मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आता